और ये सबसे बड़ा सूटकेस बाउंड्री पार। वही डरता है फंस जाएगा। चलो आज सूटकेस बड़ा अच्छा लग रहा है कोटला ये रंग में। दिस इज आवर मीडिया लाउंज। ओहो हो ये फाउंटेन है सोनी जी। सोनी जी से मिली है। सोनी जी हमेशा दिल्ली में यहीं से मिलते आए और कल उन्होंने मैसेज कर दिया कि मटन आ रहा है, बिरयानी आ रही है और क्या खाओगे। आया मेरा क्या मंगाया मेरे लिए? बड़ा चिकन। सोनी जी नहीं हो तो दिल्ली में मैच ही ना करें। अमेजिंग। ये क्या है? ये हमारा काउंट्री बॉक्स है। ओके एंड हमारे स्टार पीछे से। वैसे तो मुरादाबाद से लेकिन अभी ग्रेटर कैलाश 2 के एफ ब्लॉक में दहशत। सीधे अहमदाबाद से। सीधे अहमदाबाद से ट्रेनिंग चल रही थी ना। ओह यस यस पीसी। हां मैं चेंज करूं अब नहा तो पाऊंगा नहीं लेकिन कमेंट्री बॉक्स चेंज हुआ है। वही है कमेंट्री बॉक्स वही है। अब यहां पे ढूंढना पड़ेगा खोपचा रेडी होने के लिए। आज कमेंट्री बॉक्स को बना लिया भाई हमने वार्डरोब। अलमारी नहीं है लेकिन यहीं पे हमने चेंज किया है। ये पीछे जो पूरा ग्लैमर दिखता है टीवी उसके पीछे है, 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 है। फाइट है बॉस लेकिन मजा है इसमें। मजा बहुत गर्मी थी भाई शो में। हार्दिक का बर्थडे केक भी काट लिया। 3 बार असेंबल हो रही है नेशनल एंथम के लिए एंड उसके पहले आई नीड टू गेट माई सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ हाइड्रेशन व्हिच इज थोड़ा सा विटामिन सी। आई एम आल्सो डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है सो इट्स नाउ गोइंग टू बी फर्स्ट मील। ये सामने प्रेस बॉक्स है दिल्ली का। एवरीवन इज गोना स्टैंड क्योंकि स्टार्ट होगी नेशनल एंथम से। कम ऑन बॉयज लेट्स हैव अ गुड वन। तो बताया गया कि इश्दा ले गया। ये बना के लाए हो या बाहर से लाए हो? खुद बना। यू मेड दिस? यू कुक दिस? दिल्ली में हम तो खाना खाने आते हैं, मैच तो बहाना है। बटर चिकन बोनलेस। ये गुस्ताखी कैसे? हम तो ये ऑफ कोर्स सर हम तो मुंबई छोड़ देंगे क्यों, बोनलेस मिलता है। बट मटन लवली। नान भी है? पराठे। दैट इज आल्सो होममेड। यू मेड दिस एट होम? गॉड ब्लेस यू सर। हाउ कैन वी रिपे? टिकट विकेट चाहिए इस मैच वैच की? सर से ले लो। दिल्ली की भाषा बोलते हैं लबेड़ दी प्लेट। एकदम लबेड़ के रख दी। होममेड यार, होममेड बना के लाई है। एंड मुंबई मेरे को 10-12 साल हो गए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ मिल गई। लेकिन मुगलई खाना जो दिल्ली का है ना, जिसमें ये बटर चिकन के जो फ्लेवर हैं, ये नहीं कर सकता मुंबई, कहीं नहीं कर सकता। 5-star चले जाओ, मोहम्मद अली रोड चले जाओ, बैंड्रा चले जाओ, ना बटर चिकन नहीं कर सकते। और भाई दिल्ली से ना यहाँ पे बीसी बहुत चलता है हर तरीके का, लेकिन सबसे ज़्यादा और शॉर्मा में मटन। ये मटन ये स्लो कुक मटन है। ऐसा नहीं मैं नॉनवेज बहुत खाता हूँ लेकिन जब खाता हूँ तो दो ही करी चाहिए मेरे को, बटर चिकन साथ में मटन करी और थोड़े हमारे जो कश्मीरी वाजवान में बनते हैं जिसके लिए एक दो जगह हैं। एंड दिल्ली का खाना अभी बाकी गया मेन्यू पे। विद द मेन्यू यू नो द मेन्यू। रात को छोड़ी खाऊंगा, चाट खाऊंगा, दही भल्ले खाऊंगा और छोले भटूरे में घर के खाता हूँ, राजमा चावल में घर के खाता हूँ, कड़ी चावल में घर के खाता हूँ। और वो ज़्यादा टाइम है नहीं लेकिन रात को खाइए कि गुलाब जामुन, फायर पान और साथ में कसाटा आइसक्रीम। जी जी बहुत कमाल का मैच, लेकिन मैं मैच की बात नहीं करूंगा। जो मैंने प्रीव्यू भी किया था एक्चुअली सेट की उम्मीद है एंड आई एम होपिंग कि विराट और नवीन बोथ ऑफ देम विल मूव ऑन। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, बड़ा वर्ल्ड कप खिलाड़ी हैं। यू आर ऑब्वियसली इन्वॉल्वड, यू आल्सो रियली लाइक जो हमने आज देखा मैदान। एब्सोल्युटली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, जो लड़ाई बीच में होती है उसको बीच तक ही रहने देनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबके पास राइट है अपनी इज्जत के लिए लड़ने का, अपनी टीम के लिए लड़ने का, अपनी परफॉर्मेंस के लिए लड़ने का और अपनी टीम को जिताने का। और मेरा मानना यह है कि जो हुआ था, और मेरी भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, और जो हुआ था वो वहीं तक रहने देना चाहिए था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जिस तरीके से क्राउड ने बिहेव किया था, उसके बाद क्राउड और सेंसिबल तरीके से बिहेव कर सकता था क्योंकि किसी को नहीं पता, इस क्राउड में किसी को ये नहीं पता कि उस टाइम पे बीच में क्या हुआ था। सिर्फ 2 टीमों के 2 खिलाड़ियों को या मैनेजमेंट को पता है। तो इसलिए क्राउड, मैं सिर्फ इतनी होप करता हूँ कि आगे आने वाले समय में बेहतर तरीके से बिहेव करेगा, बेहतर सपोर्ट करेगा। क्योंकि जब बाहर से, बाहर के देश से हमारे देश में खेलने आते हैं, हम बेहतर ब्रांड एम्बेसडर्स बन सकते हैं अपने देश के, अपने मुल्क के। यहाँ से जो लोग वापस जाएँ अपने देश में तो हमारी बेटर मेमोरीज देखे जाए, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, किसी भी देश का। किसी को इस तरीके से या इस तरीके से चिल्लाना, इस तरीके से उसको ट्रोल करना, इस तरीके से उसके बारे में बोलना ठीक नहीं है। लेट्स बी बड़ा एम्बेसडर्स। एंड व्हिच इज व्हाई उस वो जो बात नवीन और विराट के बीच में, व्हिच वाज नाइस स्माइल्स एंड हैंडशेक्स, लेकिन ये भी अच्छा था आफ्टर दैट विराट लुक्ड एट द क्राउड एंड सेड कि स्टॉप इट, यू नो मत करिए। फैबुलस, दैट्स अ ग्रेट जेस्चर। एंड आई होप कि यहां से आगे आने वाले मैचेस में और हर वेन्यू में विराट का ये जेस्चर देखेगा क्राउड। क्योंकि एक खिलाड़ी बहुत मेहनत करके ग्राउंड तक आता है, अपने देश के लिए खेलता है, आईपीएल में खेलता है, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनता है। बहुत लोगों के सैक्रिफाइस है उसके साथ। आपने कभी ग्राउंड पे आके वो एक्सपीरियंस नहीं देखा,
तो अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको क्रिटिसाइज भी मत करिए। आप अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करिए, आपके पास पूरा राइट है, लेकिन आपके पास कोई और राइट नहीं दूसरे को क्रिटिसाइज करने का। तो मेरा मानना है कि हम बेहतर बिहेवियर देखेंगे सिर्फ एक खिलाड़ी के नहीं, सबके खिलाफ। आप सपोर्ट करिए, जी खोल के सपोर्ट करिए, लेकिन लेट्स बी बेटर एम्बेसडर्स ऑफ अ नेशन, बिकॉज हम यहाँ पर वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है कि हम बाकी खिलाड़ियों के, जो देश के खिलाड़ी हैं, वो यहाँ से क्या मेमोरीज लेके जा सकते हैं। अगर वो अच्छी मेमोरीज लेके जाएंगे तो वो बेहतर बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे हमारे देश के बारे में, और यही हम सब चाहते हैं। इट्स अ ग्लोबल इवेंट एंड सिर्फ क्रिकेटर्स का, सिर्फ एक्सपर्ट्स का, सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स का और मीडिया का यहाँ पर रोल नहीं है। जितने फैंस हैं उन सब का रोल है कि आप अपने देश की क्या इमेज देश से बाहर भिजवाना चाहते हैं। सो लेट्स बी ऑल एम्बेसडर ऑफ दिस गेम। फैब जीजी, लवली डे, सी यू सून, गुड मैसेज सबके लिए। एंड विद दैट आज का दिन खत्म हो गया, अब हम जाएंगे थोड़ा खाना पीना खाने। वी हैव द लॉट ऑफ ओल्ड दिल्ली क्रू, नैश इज हियर, रूपा इज हियर, जिसने हमारे साथ काम करना छोड़ दिया, बट आज शी इज गोना कम आउट विद अस। बट व्हाट अ डे, आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। एंड बॉस रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में तपस्या, व्हाइट बॉल क्रिकेट में तांडव, कप्तान के बैट से रन आ गए हैं, सबके बैट से रन आ गए हैं। सो अहमदाबाद से पहले जैसा इंडिया को बिल्डअप चाहिए था वैसा पूरा बिल्डअप मिल गया। अगेन टॉप बोलिंग, टॉप फील्डिंग, टॉप बैटिंग, टॉप व्लॉग। अभी तुम लोग शेयर करोगे इसको, लाइक करोगे, आई जस्ट नो इट, दिल से आवाज आ रही है, आ रही है, सही आवाज आ रही है, तो शेयर करो। मैं फाइल्स भेज रहा हूँ, लेट हो रहे हैं यार, बुकिंग है 11 बजे की। या क्रिएचर्स ऑफ द नाइट यार।